हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग शादी के बाद ही वो एब्रॉड चला गया था जनकुक को छोड़कर। जनकुक बहुत ही नाराज़ हो गया था कि उसके हस्बैंड शादी के पहले दिन ही उसको छोड़कर चला गया। जनकुक तियांग से मिलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उसको सब लोग बहुत ही डांट रहा था। खास करके तियांग की दादी माँ ने जनकुक से कॉल करके रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ जनकुक गुस्सा मत होना, तुम्हारा हस्बैंड इतना भी बुरा नहीं है। वो तो बस ऐसे ही चला गया क्योंकि तुम एडल्ट नहीं होना। जैसे तुम एडल्ट हो जाओगे वो वापस आ जाएगा और देखना तुमसे बहुत प्यार भी करेगा। जनकुक ने कहा, लेकिन दादी माँ मैं उनसे नहीं मिलना चाहूँगा जो मुझसे शादी करने के बाद मुझसे मिला भी नहीं और मुझे छोड़कर चला गया। वो मुझे बता सकता था या फिर मुझे साथ में लेकर जा सकते थे। तियांग एब्रॉड जाने के बाद जनकुक को बहुत कॉल भी किया और मैसेज भी किया, लेकिन जनकुक ने उसकी कोई भी मैसेज या फिर कॉल की आंसर नहीं किया है। सब लोगों ने जनकुक को समझाया लेकिन वो बात नहीं करना चाहता है। ऐसे 3 साल बीत जाते हैं, तियांग वापस आने वाला है। आज 3 साल हो चुके हैं पूरा और तियांग वापस आने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है। जनकुक को पता है कि तियांग वापस आ रहा है, लेकिन जनकुक जानबूझकर सोने की एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर तियांग एयरपोर्ट पर पहुँच चुका है, वो कुछ ही घंटों में पहुँच जाएगा। यहाँ पर मिसेज जियो ने जनकुक से कहा, जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा हस्बैंड वापस आने वाला है और तुम अभी तक सो रहे हो। जनकुक ने कहा, मुझे किससे नहीं मिलना है, मैं कितनी बार कहूँ, आप लोग मुझे इतना फोर्स क्यों कर रहे हो, मुझे उससे नहीं मिलना है। लेकिन जब जनकुक ने देखा तियांग वापस आ चुके हैं और वो सबसे बहुत ही अच्छी तरह से मिल रहा है, सब लोग तियांग के साथ बहुत ही खुश है। जनकुक ताकि उसे तियांग का सामना ना करना पड़े इसलिए जनकुक वॉशरूम चले जाते हैं और शावर लेना शुरू करता है। वो बाथटब पर बैठा हुआ था, वो बाहर नहीं आ रहे थे। 1 घंटे हो चुके थे लेकिन जनकुक अभी तक अंदर ही है। तियांग वो जनकुक से मिलने के लिए बहुत ही पागल हो रहा था। जिमिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम इतना क्या सोच रहे हो और किसको ढूंढ रहे हो। तियांग ने फिर कह ही दिया, जनकुक कहाँ है, वो नहीं दिख रहा है। जिमिन कहता है, वो एक नंबर का शैतान हो गया है, तुम नहीं जानते हो। जब तुम उसको छोड़कर चले गए ना वो तुमसे नाराज हो गया और इसलिए वो तुम्हारा कॉल भी नहीं उठाया और न ही तुम्हारा मैसेज का आंसर किया। तियांग ने कहा, मुझे पता चला और मैं कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि मैं एब्रॉड था ना और 3 साल से पहले मैं आ भी नहीं सकता था, काम में बहुत ही बिजी हो गया था, लेकिन अब मैं उसको मना लूँगा। वो कहाँ है, क्या उसकी रूम में ही है। जिमिन ने कहा, हाँ उसकी रूम में ही होना चाहिए, तुम जाओ जाकर उससे मिल लो। तियांग कहता है, ठीक है मैं जाकर मिल लेता हूँ। तियांग जब जनकुक के रूम में आते हैं, तियांग ने देखा जनकुक उसके रूम में नहीं है। तियांग बाहर आ ही रहा था कि वॉशरूम की आवाज़ सुनाई देता है। पानी की आवाज़ सुनकर तियांग समझ आता है कि जनकुक वॉशरूम के अंदर ही है। तियांग दरवाजे पर नॉक करता है। जनकुक ने कहा, जिमिन ह्यूंग आप ही हो ना, मुझे बाहर नहीं आना है, अब जाइए यहाँ से। तियांग ने फिर से ठकठकाया। जनकुक ने कहा, मॉम क्या आप हो, आपको कितनी बार कहो, मुझे मत बुलाया करो, मुझे उनसे नहीं मिलना है, मैं उसे नहीं देखना चाहता हूँ। वो कैसा भी दिखता हो, चाहे कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, मुझे पता है वो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं देखना चाहूँगा। तियांग ने कहा, इसका मतलब तुमने मुझे देखा है। चुप चुप कर देखना अच्छी बात नहीं है, चलो बाहर आ जाओ, सामने से देख लो, तुम्हारा हस्बैंड वापस आया है, तुम्हें सामने से देखना चाहिए, चुप कर नहीं, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ किसी और का नहीं, वापस आ जाओ। और तुमने मेरी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया है, ना ही मेरा कॉल उठाया है, क्यों, क्या मैं जान सकता हूँ। जनकुक बाहर आ जाता है और कहता है, मैंने ऐसा क्यों किया है आपको पता होना चाहिए, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया, आप जब एब्रॉड चले गए थे मुझे छोड़कर तब आपको ये सब कुछ सोचना चाहिए था। तियांग वो जनकुक को सोफे पर धकेल देता है और उसके ऊपर आकर उसकी लिप पर किस करने लगता है। जनकुक तो बहुत ही शौक हो गया कि उसका हस्बैंड इतना ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है। आखिर तियांग जब जनकुक को देखा वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। जनकुक की वो क्यूट सा फेस और पावर्ड सा लिप देख कर ही तियांग को किस करने का मन किया और जनकुक को देखते ही तियांग को प्यार हो गया। तियांग जनकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस कर रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जनकुक ने तियांग की पैर पट पर पैरों से किक कर दिया। तियांग ने जनकुक से अलग होते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या किया है, अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ। तो जनकुक ने कहा, मेरे साथ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब एब्रॉड चले गए थे तब सोचना चाहिए था। तियांग कहता है, एक ही बात कितनी बार बोलोगे, हाँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गया है, मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तब तुम छोटे थे और अगर मैं और तुम साथ में रहते
तो बहुत कुछ गलत हो सकता था और मैं ऐसा नहीं चाहता था। जनकुक ने तियांग से कहा, ये सब कुछ जाने से पहले मुझसे कहना चाहिए था। आपने तो मुझसे मिलने के बारे में सोचा भी नहीं और शादी करने के बाद ही आप मुझसे छोड़कर चले गए थे, तो आप क्यों बोल रहे हो? मुझे नहीं सुनना है और हटो मेरे ऊपर से। तियांग ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर से कब का हट चुका हूँ? तुमने जो किया है इसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर कैसे रह सकता था? तुम बहुत ही डेंजरस हो, तुम तो माफिया किंग से भी डेंजरस हो जनकुक। आखिर कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम बहुत ही डेंजरस हो, तुमसे तो बचकर रहना पड़ेगा। ये कहते हुए तियांग जनकुक से दूर हटकर रूम से बाहर निकल जाता है। जनकुक को लगा तियांग उसे नाराज है, वो पीछे जाने लगा। जिमिन जनकुक को रोकते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? तियांग का पीछा क्यों कर रहे हो? तुम तो तियांग से नाराज हो ना, और तियांग इतना गुस्से में क्यों लग रहे हैं? जब वो तुम्हारे रूम में गया था वो बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन अचानक तियांग को क्या हो गया? क्या तुमने कुछ कहा है? जनकुक कहता है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। आपको ऐसा क्यों लगता है मैंने कुछ कहा होगा? वो तो बस गलती से, जिमिन ने कहा। गलती से क्या? जनकुक ने जिमिन को बता दिया। जिमिन जनकुक से कहता है, तुम पागल हो चुके हो क्या? कोई अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तियांग ने बिल्कुल सही कहा, तुम पागल हो, वरना ऐसा क्यों करते? तुम अपने ही हस्बैंड की फ्यूचर को खराब करने वाले थे। अब जाओ जाकर उसको मनाओ और जाओ जाकर अच्छे से चेक कर लो, कहीं तुमने तियांग की सब कुछ खराब तो नहीं कर दिया है। जनकुक ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, मैं जाकर चेक करके देखता हूँ, अगर ऐसा हो तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद जनकुक तियांग के पीछे जाने लगा। तियांग की हाथ पकड़कर खींचकर उसको एक कोना पर लेकर आए। जनकुक के घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे खींचकर यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? आखिर करना क्या चाहते हो? उसके बाद तियांग ने कहा, अब मैं समझ गया तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। क्या तुम मुझे तुम्हारे घर दिखाना चाहते हो ना? तुम्हारा घर बहुत ही ब्यूटीफुल है। जनकुक तियांग की प्राइवेट पार्ट पर हाथ लेकर जाते हैं। तियांग ने जनकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? कभी पैरों से किक करते हो, कभी हाथ से छूने लगते हो, तुम बिल्कुल पागल हो। आप क्या करने आए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो जनकुक? जनकुक ने कहा। वो जिमिन ह्यूंग ने कहा, चेक करने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं, कहीं मैंने सब कुछ खराब तो नहीं कर दिया? तियांग ने कहा, वो भी ना एक नंबर का शैतान है और तुम एक नंबर का बुद्धू हो। मुझे लगा नहीं था तुम इतना बुद्धू हो सकते हो, मुझे लगा तुम बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन नहीं, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ निकले। जनकुक कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो, मैं बेवकूफ हो क्या? तियांग ने कहा, देखा, मैं इसलिए तुम्हें छोड़कर चला गया था। तुम अभी भी इतना तुम्हारे अंदर बचपना भरा हुआ है, तो जब तुम 15 साल के थे तब तुम क्या करते? तुम अभी जो करने वाले थे तुम्हें पता है तुम क्या करने वाले थे? जनकुक ने कहा, आखिर मैं क्या करने वाला था, मैं तो बस चेक करने के लिए। तियांग जनकुक को दीवार में पुश करते हुए उसकी लिप पर किस करने लगता है। 15 मिनट हो चुके हैं लेकिन तियांग जनकुक को नहीं छोड़ रहा था। जनकुक को सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था। जनकुक का मन हो रहा था फिर से तियांग को किक करने का, लेकिन नहीं, वो अभी ऐसा नहीं करने वाला है। तियांग जैसे जनकुक की आंखें को बड़े करते हुए देखता है, वो उसको छोड़ता है और कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जनकुक ने कहा, जब भी किस करते हो क्या आपकी दिमाग नहीं है? इस तरह से कोई किस करता है क्या? अभी मैं दम तोड़कर मरने वाला था। तियांग ने कहा, क्या करूँ, तुम्हारा लिप ही ऐसा है, तुम्हारी होठों को देखकर ही मुझे कुछ हो जाता है और मैं तुम्हें किस करने लगता हूँ। जनकुक, जब मैं तुमसे शादी किया था ना, मैं तुम्हारी लिप को देखकर ही बहुत ही अट्रैक्टिव फील कर रहा था और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मैं शादी के पहले दिन ही तुम्हें छोड़कर चला गया था, यही रीज़न था। जनकुक ने बहुत ही शय होते हुए कहा, क्या मैं इतना प्यारा हूँ? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा प्यारे हो तुम, और तुम्हें देखकर किसी को भी तुम्हें प्यार करने का मन करेगा, और मैं तो तुम्हारा हस्बैंड ठहरा। जनकुक कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों आप अभी तक रुके हुए हो? आपको जो करना है आप कर सकते हो। तियांग जनकुक को किस करते करते बेड पर लेकर जाते हैं और उसको बेड पर धकेल देता है, उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाता है। जनकुक वो व्हाइट कलर का बहुत ही ट्रांसपेरेंट शर्ट पहने हुए थे और तियांग वो अपनी कोट उतारने लगता है और जनकुक की बॉडी पर किस करने लगता है। जनकुक वो तियांग की बॉडी को हाथ से टच करते हुए कहा, आपकी बॉडी तो बहुत ही व्हाइट है, आप बिल्कुल बटर जैसे हो। तियांग ने जनकुक से कहा, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? जनकुक बहुत ही शय होते हुए अपना सर हिलाते हैं, तो फिर तियांग ने जनकुक को मौका दिया। जनकुक तियांग की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था, तियांग को बहुत ही अच्छे लग रहे थे।
तियांग ने उसके बाद जनको की माथ को पकड़कर अपनी टंग को इन करते उसके होठों पर किस करने लगता है और सक भी करने लगता है, जिसके बाद जनको को बेड पर लेकर जाते और फिर से उसके ऊपर आ जाते और उसमें खुद को इन कर देता है। उसके बाद उसके सर पर हाथों से सहलाते हुए उसको पूछा, क्या तुम ठीक हो, क्या मैं थोड़ा सा सोलो कर दूँ? जनकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो आप थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। जनकुक की इस तरीके की बातों को सुनकर त्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। जनकुक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं तो 3 साल पहले ही इसके लिए तैयार था, लेकिन आप मुझे छोड़कर चले गए तो मुझे गुस्सा आ गया। जनकुक की बात सुनकर त्यांग ने मुस्कुराते हुए उसकी होठों पर किस करते हुए कहा, क्या तुम 3 साल पहले सब कुछ के लिए तैयार थे? तुम्हें सब कुछ कब पता चला? तुम्हें किसने बताया? जनकुक ने कहा, मुझे किसी ने नहीं बताया है। त्यांग कहते, तो फिर कैसे पता चला? जनकुक, सच बताओ, क्या जिमी ने तुमसे कहा है क्या? जनकुक कहता, नहीं नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। त्यांग ने कहा, फिर? जनकुक कहता है, मैं तो बस वीडियो देखा था यूट्यूब पर। त्यांग कहता है, तुमने अच्छा नहीं किया है, तुम्हें वो सब कुछ वीडियो नहीं देखना चाहिए था, और मैं यहाँ पर नहीं था, अगर कुछ हो जाता किसी के साथ तो मैं क्या करता? जनकुक कहता है, क्या मतलब है? त्यांग ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम नहीं समझोगे। उसके बाद त्यांग जनकुक को बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हैं। जनकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। जनकुक को त्यांग गोद में उठाकर सुबह को वॉशरूम लेकर आते हैं। दोनों फ्रेश होकर बस वॉशरूम से बाहर निकलने ही वाला था। त्यांग को फिर से जनकुक के साथ वो सब कुछ फिर से करने का मन किया। जनकुक त्यांग को कहता है, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? त्यांग ने कहा, वो जनकुक, अगर मैं फिर से तुम्हारे साथ और एक बार अगर ये सब कुछ करूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना, या फिर तुम थक तो नहीं जाओगे? जनकुक ने कहा, आपको मना किसने किया है? अगर आपका मन है तो आप कर सकते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। त्यांग की गोद में उठ जाता है। त्यांग उसकी होठों पर किस करते हुए दीवार पर पुश कर देते हैं और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। त्यांग की वापस आने की खुशी में आज बहुत ही बड़ी पार्टी रखा गया है, लेकिन त्यांग और जनकुक की यहाँ पर नहीं है। सब लोग त्यांग और जनकुक के बारे में पूछ रहा था। जिमिन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लोग आते ही होंगे, वो लोग पहली बार मिल रहे हैं ना, तो शायद इससे देर हो रहा होगा। इसके बाद युंगी जिमिन से कहता है, तुम जाकर बुलाकर क्यों नहीं लेकर आते हो? उसके बाद जैसे जिमिन जाने लगता है, उसने देखा त्यांग जनकुक की हैंड पकड़कर उसको हॉल में लेकर आ रहा है। युंगी जिमिन और जीन आरएम सभी लोग त्यांग और जनकुक को साथ में इस तरह से देखकर खुश हो जाते हैं और त्यांग से कहता है, तुम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हो। त्यांग, क्या तुम और जनकुक के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है? त्यांग कहता है, आप लोग जनकुक से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? जनकुक ने कहा, वो मैं तो। जिमिन ने कहा, क्या तुम अभी भी त्यांग से नाराज हो? जनकुक अपने सर हिलाकर मना कर देता है। त्यांग ने जनकुक की यार के पास जाकर कहा, तो सारी नाराजगी खत्म हो गया है, तुम्हारा मेरा प्यार अच्छा लगा क्या? जनकुक मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा मुझे अच्छा लगा? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। त्यांग ने कहा, क्या मतलब है कि अच्छा नहीं लगा है? क्या तुम्हें मेरा प्यार अच्छा नहीं लगा? जनकुक ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं आया आपका प्यार, आपका प्यार करने का तरीका बहुत ही गलत है। त्यांग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा से इस तरह से प्यार नहीं करूँगा, मैं अभी देखता हूँ तुम कैसे रह पाते हो। जनकुक वो त्यांग से कहता है, क्या सच में ऐसा करने वाले हो? त्यांग ने कहा, तुम्हें क्या लगा, मैं जो भी कहता हूँ ना वही करता हूँ, मैं अपनी बातों से कभी मुकरता नहीं हूँ, तुम देख लेना, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा और नहीं तुम्हें टच करूँगा। जनकुक कहता है, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा, अब तो हम दोनों साथ में रहने वाले हैं ना, या फिर अभी भी तुम मुझे छोड़कर एब्रॉड जाने वाले हो? देखो, अगर ऐसा करना चाहते हो ना, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, इस बार अगर मुझे छोड़कर चला गया तो मैं वापस से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगा और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। त्यांग जनकुक की लिप पर किस कर लेता है सबके सामने। किस करने के बाद त्यांग जनकुक से अलग होकर कहता है, क्या कहा तुमने? मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, और दोबारा से मत कहना कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो। जनकुक, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और कितना प्यार करने लगा हो तुमसे, तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। जनकुक ने कहा, क्या सच बोल रहे हो? त्यांग ने कहा, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या मेरी बात झूठ लगता है? जनकुक कहता है, नहीं तो, तुम मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकता हूँ ना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। त्यांग कहता है, अगर जाऊँगा भी ना तुम्हें साथ में लेकर जाऊँगा। जनकुक कहता है, तो फिर ठीक है। उसके बाद जनकुक और त्यांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग ने अचानक जनकुक की हैंड पकड़कर खींचकर उसको सेट पर लेकर जाने लगा। जनकुक कहता है, क्या कर रहे हो आप, मुझे कॉर्नर पर क्यों लेकर जा रहे हो? त्यांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ,
जो सबके सामने नहीं कर सकता हो। जनकुक ने तियांग से कहा, क्यों, आपने तो कहा था जब तक मैं नहीं कहूंगा आप मेरे साथ ये सब कुछ नहीं करने वाले हो, तो अब क्या हो गया? तियांग ने कहा, क्या तुम भी ही चाहते हो क्या? मुझे लगा शायद तुम भी ही चाहते होंगे कि मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दूँ। जनकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही समझा। तियांग कहता है, जनकुक तुम मुझे कभी आप कहते हो कभी तुम कहते हो, मुझे तुम्हारी मुझसे तुम सुनना है, वो बहुत ही अपना सा लगता है। जनकुक ने कहा, तो फिर तुम अभी तक क्या देख रहे हो, मुझे प्यार करना कब शुरू करोगे? तियांग जनकुक की होठों पर किस करने लगा और इसके बाद उसको गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर गए। उसके बाद तो जनकुक की आवाज़ ही सुनाई दे रहा था और कुछ नहीं। जैसे दिन बीतते जा रहा था, तियांग वो फिर से एब्रोड जाने वाला है। जनकुक को लगा शायद तियांग उसको लेकर जाएगा, लेकिन तियांग ने कहा, जनकुक प्लीज़ तुम रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिन बाद लेकर जाऊंगा, अभी तक तुम्हारा पासपोर्ट नहीं बनाया गया है, मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता हूँ। जनकुक बहुत ही नाराज होकर कहता है, तुमने मुझसे झूठ कहा था, आखिर तुम मुझे नहीं लेकर जाने वाले हो, तुम सबको झूठ बोल रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग जनकुक को गोद में उठाकर उसको समझाते हुए कहा, देखो तुम्हारे पासपोर्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जैसे सब कुछ बन जाएगा मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे जाने दो, बहुत ही काम है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें कैसे लेकर जाऊंगा? अगर तुम वहां पर जाना चाहते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो पहले मुझे जाना होगा, मैं कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता हूँ, तुम नहीं जानते हो तुम्हें छोड़कर जाने में मुझे भी कितना बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं जाऊँगा तो बहुत गलत हो जाएगा और सारा काम रुक जाएगा, बहुत ही ज़रूरी है, देखो तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, मैं तुम्हें ज़रूर लेकर जाऊँगा। जनकुक ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद तियांग जाने लगता है, लेकिन जैसे तियांग एयरपोर्ट पहुँच जाता है, तियांग जनकुक को बहुत ही मिस करने लगता है और वो वापस नहीं जा पाते हैं। वो वापस से जनकुक को पीछे से आकर हक कर लेता है। जनकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो एयरपोर्ट जाने वाले हो ना, इस टाइम पर तुम्हें एयरपोर्ट होना चाहिए। तियांग ने कहा, मैं नहीं जा पाया तुम्हें छोड़कर, मैं तुम्हें अभी से मिस करने लगा था, चाहे कितना ही लॉस क्यों ना हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, अगर जाना है तो तुम्हें साथ में ही लेकर जाऊँगा। उसके बाद जनकुक और तियांग दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तो गाइस यहीं पर ही दी एंड कहता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।